तो दोस्तों आज हम ढूंढेंगे सस्ते वाला माइक्रोफोन, देखते हैं कौन सा माइक्रोफोन सस्ता है। वाह, सस्ते वाला माइक्रोफोन इतना सस्ता है, 17,000, 10,000, 8,000 नहीं हुए, इतना नहीं दे सकता मैं, थोड़ा सस्ता कर दो। नहीं मिल रहा है, चाहे मुझे दिन रात एक ही क्यों ना करने पड़े, मैं सस्ता वाला माइक ढूंढ के ही रहूंगा। मिल गया सस्ता वाला माइक्रोफोन, अभी ऑर्डर कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से SF666 माइक्रोफोन आपको मिलेंगे प्लास्टिक के बॉक्स पर। पैकिंग उतना खास नहीं है, इसका प्राइस है 1,200 रुपीज। तो चलिए इस प्लास्टिक को बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। इसका यूजर मैनुअल इसका पीछे है, शायद आप देख पाए। ऊपर एक सेफ्टी के लिए पॉप सा दिया गया है। तो आपको मिलता है एक प्लास्टिक का माइक और एक ट्राइपॉड, इसमें कोई भी पॉप अप फिल्टर वगैरह नहीं है। तो पहले माइक को निकाल लेता हूं। तो माइक की क्वालिटी प्लास्टिक से बना हुआ है, इसका बॉडी एकदम हल्का टाइप का है, देखने में अच्छा है। ऊपर में मेटल से बना हुआ है, तो माइक प्लास्टिक और मेटल से बना हुआ दिख रहा है, आप खुद भी इसे देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, पसंद आए तो खरीद लेना। नेक्स्ट आता है ट्राइपॉड, एकदम दमदार क्वालिटी का लगता है, ये भी प्लास्टिक से बना हुआ है लेकिन काफी मजबूत है, मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा। इस माइक्रोफोन के केबल 3.5 mm का आता है, जो काफी लंबा है, और ये आता है रेड कलर के। तो इस SF666 माइक्रोफोन को आप PC या लैपटॉप के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस माइक्रोफोन को आप अपने स्मार्टफोन के साथ अटैच कर सकते हो। दोस्तों आप तो जानते हैं, ज्यादातर कंडेंसर माइक्रोफोन को कनेक्ट करने के लिए फैंटम पावर की जरूरत होती है। आप फैंटम पावर के बिना भी इस SF666 माइक्रोफोन को चला सकते हैं। सिर्फ आपको USB साउंड कार्ड खरीदना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट है 150 रुपीज से 250 रुपीज तक। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो इस समय जो रिकॉर्डिंग हो रहा है इस SF666 माइक्रोफोन के द्वारा, कोई भी पॉपअप फिल्टर के बिना। मैंने पंखा भी चला दिया है, गर्मी के मौसम में पंखे के बिना तो रहा ही नहीं जाता है। तो आप देख सकते हैं क्या क्वालिटी है इस माइक्रोफोन की। तो अगर अच्छे क्वालिटी का लगे तो आप कमेंट में जरूर लिखें, अगर बुरे लगे तो भी कमेंट कर लेना, ताकि मुझे पता चले क्या साउंड क्वालिटी है इस माइक की। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और मेरे नए मेहमान से मैंने गुजारिश है, तो हो सके तो भाई सब्सक्राइब कर लेना।